मैं भी सोचता कि यह कौन कानून आ जड़ा तिना महीनों बाद नहीं दोनों महीनों बाद जी पैरोल से इनू रिहा कर देंगे। मैं पिछले समय दौरान एक दो सिंह जेड़े बेअंत सिंह कांड के अंदर आ उन्हों पैरोल्स दियाँ डीसी पटियाले को आईया एप्लीकेशन साढ़े श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान बतौर वकील भी उत्थे पेश होए तो उन्होंने अज दूजी बारी की पहली बारी भी पैरोल देने जिहड़ी सरकार तैयार नहीं तो हरियाणा सरकार बार बार इनू झूठे साध नू रिहा करके ये शायद सिख हिरदियां नू भड़का रहे आ। डेरा सिरसा मुखी राम रहीम नू पैरोल मिलन दा मामला काफी ज्यादा गरमाया होया है। तजे के राम रहीम दे मुड़ तो जेल तो बाहर आने तो बाद एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने इस फैसले की सख्त शब्दों के विच निंदा की है। उन्होंने कहा कि बलात्कारी राम रहीम नू वार वार पैरोल दिती जा रही है अते जेड़े सिख अपनियां बनदियां सजावां कट चुके ने उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं जे भरे मन ये गल कहना कि ये झूठा साध पांचवीं बारी इस साल दे विच पिछले साल जनवरी तो लैके पैरोल ते रिहा हो रहा। फरवरी 22 दे विच फड़ लो 21 दिन आया, जून दे विच 22 च 30 दिन की फिर पैरोल, अक्तूबर 22 च फिर 40 दिन की पैरोल, जनवरी च फिर 23 च 40 दिन की पैरोल, तो 40 दिन की पैरोल च होना आया। जे सारे साल का मुलांकन कर लिया जाए एक साल दे विच तो मेरा ख्याल 150-160 दिन 365 दिनों बन जाते। तो मैं भी सोचता भी ये किहड़ा कानून आ जिहड़ा तिना महीनों बाद नहीं दोनों महीनों बाद जी पैरोल से इनू रिहा कर देंगे। सब तो दुखदायक ये आ कि साल के पांचवीं बारी पैरोल से आ जाना, आ के फिर पिछली टर्म के डिस्टरबेंस भी की, नवा डेरा बनाना, इतने नवा स्थान बनाया जाऊगा, इदां दियां आ के गल्लां भी करनियां। तो मैं समझदा फिर ये कानून जिहड़ा इहदे लई वखरा आ ते सिखां लई ये वखरा कानून है। मैं पिछले समय दौरान एक दो सिंह जिहड़े बेअंत सिंह कांड दे विच अंदर आ उन्हां दियां पैरोल्स दियां डीसी पटियाले कोल आईयां एप्लीकेशन साढ़े श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान बतौर वकील भी उत्थे पेश होए तो उन्होंने अज दूजी बारी की पहली बारी भी पैरोल देने जिहड़ी सरकार तैयार नहीं गई तो हरियाणा सरकार बार बार इनू झूठे साध नू रिहा करके ये शायद सिख हिरदियां नू भड़का रहे आ जिहड़े कि बहुत हानिकारक होणगे। क्योंकि जे आपां इस साल की निगाह मारदे सारे दी ते गाहां दी निगाह मारदे आं ते फिर साडे पल्ले निराशा ही पैंदी आ। उह निराशा इस करके पल्ले पैंदी आ भई सिख समुचे तौर दे उत्ते अपने जिहड़े इन्हां दे सिख कैदी 33 साल गुरदीप सिंह खेड़े दी कैद हो गई आ ते उह जिहड़ी लाइफ टर्म आ उह तों दो गुणा वध हो गई, उहनूं रिहा करन नूं अज उह वी तैयार नहीं। जे बाकी गुरदे 27-27 साल 28-28 साल हो गए, सज़ा पूरी हो चुकी आ ते उन्हाले कानून भी वखरा आ। सो मैं समझदा आ ये बार बार इनू रिहा करन दे नाल जिहड़ा साडा सिख भाईचारा खास करके पंजाब दे लोक वो इस गल तो मजूस आ कि बार बार इनू पैरोल दे उत्ते रिहा करना ते सिख जज्बातां नाल एक बड़ा खलवाड़ आ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ।
राम रहीम नूं इस तों पहलां पिछले साल 2022 दे विच 3 बार पैरोल मिली सी अते ओह 91 दिनां लई जेल तों बाहर रहा सी। होशियारपुर तों अमरीक कुमार, पंजाबी लोक चैनल।